रोजगार मिलेगा। एक प्रकार से गरीबों की सेवा का काम कोयले से भी हो सकता है, इसका विश्वास पैदा होगा। यानी हर सेक्टर पर एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा और मैं जो फील कर रहा हूं इसके कारण हमारे देश के गरीब इलाकों के और गरीब लोगों के सबसे ज्यादा आशीर्वाद हम सबको मिलने वाले हैं। साथियों, कोल रिफॉर्म्स करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि एनवायरनमेंट की रक्षा का भारत का कमिटमेंट कहीं से भी कमजोर न पड़े। कोल से गैस बनाने के लिए अब बेहतर और आधुनिक टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करना चाहेंगे और टेक्नोलॉजी आ पाएगी। कोल गैसिफिकेशन जैसे कदमों से एनवायरनमेंट की भी रक्षा होगी। कोयले से बनने वाली गैस का उपयोग ट्रांसपोर्ट और कुकिंग के लिए हो पाएगा। यूरिया और स्टील मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उद्योगों को प्रमोट करेगा। हमने लक्ष्य रखा है कि साल 2030 तक, 2030 तक यानी कि इस दशक में करीब 100 मिलियन टन कोल को गैसिफाई किया जाए। मुझे बताया गया है कि इसके लिए 4 प्रोजेक्ट्स की पहचान हो चुकी है और इन पर करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे।